हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। ये देखिए, ये जो एक ब्यूटीफुल प्लांट है, ये पेरिनियल है। इसको इस गमले में भी छोड़ सकते हैं। ये है एमरेलिस लिली का, एमरेलिस लिली है, और इसकी फोलिएज भी बहुत ब्यूटीफुल लगती है। ये देखिए, अब इसका फ्लावरिंग सीजन आ रहा है और इसके बल्ब्स आपको मार्केट में मिलने लगेंगे। मेरे पास तो काफ़ी पुराना है, मैं इसी में छोड़ देती हूँ गमले में। और ये मदर प्लांट से छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं, बल्ब से होता है ये। इसके नीचे बल्ब होगा, अब मैं निकाल के दिखा नहीं सकती, इसके काफ़ी नीचे बल्ब होते हैं। ये बल्बस प्लांट है। बल्बस मतलब होता है कि ये बल्ब के थ्रू, जैसे प्याज होता है इस टाइप का इसका बल्ब होता है, उससे ये ग्रो करता है। और इसको आप गार्डन में कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, इसको पॉट में लगा सकते हैं, और ये अगर एक बार अगर फ्लावरिंग शुरू हो जाए तो इसको इंडोर भी रख सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। मैं इसकी छोटी सी एक क्लिपिंग इसी में डाल दूंगी वीडियो में, वो मेरे लास्ट ईयर के फ्लावरिंग है। देखिएगा इसके फ्लावर्स कितने ब्यूटीफुल और कई कलर्स में आते हैं, रेड, पिंक, वाइट, हल्के येलो, कई कलर्स में। ये देखिए, ये मैं लास्ट ईयर के अपने फ्लावर्स दिखा रही हूँ जो ये पॉट में हुए हुए थे, ये बेड में है। कितनी ब्यूटीफुल कलर्स में आता है और कितना ब्यूटीफुल, बहुत दिन चलते हैं ये फ्लावर्स। ज़रूर लगाइए इसको अपने गार्डन में। तो इसकी लीफ, इसकी फोलिएज भी बहुत ब्यूटीफुल लगती है देखने में। जैसे आपको लग रहा है कि ये कितनी हेल्दी ग्रीन फोलिएज, और अगर ये विल्ट कर जाती है, थोड़ी ड्राई हो जाती है, तो इसको आप यहाँ से काट भी सकते हैं ताकि ये नीट लगे। अच्छा, जब आप बल्ब खरीदने जाए एमरेलिस लिली के, तो आपको क्या देखना होगा? आपको सबसे पहले तो देखना होगा कि उसके बल्ब्स अच्छे बिग साइज के हैं। बिग साइज होना चाहिए और रेस्टेड होना चाहिए, मतलब पुराने होने चाहिए, तभी वो फ्लावरिंग करेंगे। नहीं तो अगर छोटे छोटे बल्ब्स होते हैं, हैवी नहीं होते, लाइट होते हैं, डैमेज्ड होते हैं, तो उनमें कई बार उस सीज़न में फ्लावर नहीं आएगा। ये नहीं कि कभी नहीं आएगा। जैसे ये देखिए, छोटे छोटे बेबी प्लांट्स आ रहे हैं, दिखाती हूँ। ये देखिए, जैसे ये बेबी बल्ब्स बने हुए हैं इसी में, तो कुछ छोटे छोटे बल्ब्स जो हैं वो शायद इस साल सीजन में फ्लावर ना करें। ये मदर बल्ब में से तो खूब सारे फ्लावर्स आएंगे, कई स्टॉक्स आ जाती हैं एक बल्ब में भी। तो छोटे जो वो है बल्ब्स, वो अगर आप लगा देते हैं, हो सकता है फ्लावर ना करे इस सीज़न में, मगर उसकी फोलिएज ग्रो होने दीजिएगा, बड़ा होने दीजिएगा। जब वो थोड़ा न्यूट्रिशन लेके थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तब वो फ्लावरिंग मैच्योरिटी पे फ्लावरिंग ज़रूर करेगा। और ये भी एक एक दो दो तीन तीन स्टॉक्स आ जाती हैं इसमें। फ्लावर कैसे आता है, एक बड़ा सा स्टॉक आता है और उसके बाद कई फ्लावर्स आते हैं ट्रम्पेट शेप में, और बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। और इसको अगर नीचे से काट के लगा देते हैं इंडोर, तो काफ़ी दिन तक इंडोर भी चलते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक इसको पॉट में लगाया हुआ है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और भी कई पॉट है, मगर मैं एक पॉट दिखा रही हूँ आपको कि इस पॉट में, और इस वाले लिली को, एमरेलिस लिली को आप इसी में छोड़ सकते हैं गमले में, और जब सीजन आएगा तो इसमें से अपने आप फ्लावरिंग स्टॉक अपने आप आने लगेगा। और कुछ लिलीज को तो मैं निकाल के रेस्ट करने देती हूँ, रख देती हूँ। तो एक और इसका दिखाती हूँ, एमरेलिस लिली, जो कि मैंने बेड पे लगाई हुई है। आइए देखते हैं बाहर। ये देखिए, ये नस्टेशियम के बेड में बल्ब्स लगे हुए हैं। ये देखिए, ये लिली के बल्ब्स लगे रहते हैं। तो ये सीज़न आने पे नस्टेशियम तो लगा हुआ है, साथ में ये भी लगा हुआ है, तो इसमें अपने आप फ्लावरिंग स्टॉक आएगा। और इसमें ये फ्लावरिंग हो रहे तब भी ये फरवरी मार्च तक ये एमरेलिस लिली आनी शुरू हो जाएगी। तो अभी आप बल्ब लगाएंगे तो आराम से फरवरी तो चल रहा है, मार्च अप्रैल तक इसमें खूब फ्लावर्स आने शुरू हो जाएंगे। तो ज़रूर इसका बल्ब ले आइए। और अब बाज़ार में इसके बल्ब्स अवेलेबल हो गए हैं, या अगर वेट अगर नहीं हुए हैं तो एक आध दिन में हो जाएंगे, एक आध वीक में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।